मेरा नाम पार्थ शाह है, मैं स्मार्ट दिशा एकेडमी का स्टूडेंट हूँ NIFM का, और ये प्रेजेंटेशन कोर्स के रिगार्डिंग की गई हुई है रियल एस्टेट सेक्टर पे। एक्चुअली में रियल एस्टेट सेक्टर दुनिया में सबसे जाना माना सेक्टर में से एक गिना जाता है। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद जो दूसरा सबसे नंबर दूसरे नंबर पे आता सेक्टर है वो रियल एस्टेट सेक्टर है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड की जाती है। इंडिया के अंदर सबसे पहला जो जॉब प्रोवाइडर है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो है रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर में विश्व स्तरीय पे इंडिया के अंदर NRI लोग का इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। जैसे कि इंडिया में पॉपुलेशन का ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए सरकार ने शहरीकरण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया हुआ है। शहरीकरण के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में छोटे छोटे शहरों को बड़ा बड़ा किया जा रहा है। जैसे कि आज अहमदाबाद की बात कर लो आप, अहमदाबाद में पहले एकदम स्मॉल हुआ करता था, अब वो अहमदाबाद के अंदर भोपाल को ऐड कर लिया है, सांणंद को ऐड कर लिया है, जो दूर दूर के अहमदाबाद की जैसे अहमदाबाद था वो भी अभी अहमदाबाद का एक पार्ट बन चुका है। तो वैसे ही शहरों को बड़ा किया जा रहा है। शहरों को बड़ा करने की वजह से कॉमर्शियल और रेसिडेंटल की डिमांड बढ़ती जा रही है। ICRA एक इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च करती है। ICRA का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग। उसके हिसाब से इंडिया के जो रियल एस्टेट के फर्म है वो 2030 तक 3.5 ट्रिलियन पैसा जुटाने वाले थे, लेकिन अभी तक 29 बिलियन $ उन्होंने जुटा लिया है, और अभी 2030 तक वो ज़्यादा से ज़्यादा जुटाने वाले। और प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर ब्लैकस्टोन करके एक बड़ी कंपनी है जिन्होंने 3.8 लाख करोड़ तक इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, और अभी 2030 तक वो 1.7 लाख करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करने वाले। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की अच्छी से अच्छी पॉलिसीज अभी आ रही है धीरे धीरे करके। गवर्नमेंट का एक ये जो आवास योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका भी जो इस बार भी अभी जो रिसेंटली ये अपना क्या बोलते बजट में आवास योजना के ऊपर उन्होंने 9.64 बिलियन डॉलर का बढ़ोतरी की है। प्राइवेट इक्विटी ग्रोथ QT, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में रियल एस्टेट सेक्टर में 4.2 बिलियन 2024 तक हो गया है। इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर ने अभी तक सबसे अच्छा ग्रोथ विटनेस किया हुआ है। जैसे कि 2022-23 में 4.2 बिलियन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ है, और अभी 2030 तक 100 बिलियन तक जाने की संभावना है। और रियल एस्टेट सेक्टर में अभी NRI लोग भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। उसमें सबसे अच्छे सिटीज़ में माना जाता है पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, फिर चेन्नई हो गया, अहमदाबाद हो गया, और सबसे ज़्यादा लोग बेंगलोर में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, क्योंकि दिन ब दिन भाव बढ़ता जा रहा है। और रियल एस्टेट सेक्टर में एक चीज़ ये है कि कोई भी कंपनी को आपको एनालिसिस करना है तो कंपनी के प्रोजेक्ट देखे जाते हैं, कंपनी का कितना प्रोजेक्ट चालू है, कितने प्रोजेक्ट पे उनका, जैसे कि एक कंपनी है, एक कंपनी ने 10 बिल्डिंग की एक प्रोजेक्ट डाली हुई है, तो उसमें उसके कितने यूनिट्स बेचे हुए बिक गए, कितने यूनिट्स अभी पेंडिंग है, वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अभी आप ये ग्राफ देख रहे हो जिसमें 2023 तक इतना था, अभी एक्सपेक्टेशन इतनी है, यानी 1 लाख करोड़ तक ये 2024 में एक्सपेक्टेशन है कि 1 लाख करोड़ तक इन्वेस्ट होगा टोटल। इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर हैज़ बीन अ स्टेडी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स एंड न्यू डेवलपमेंट ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स। कुछ अच्छी अच्छी कंपनियां भी है मैंने निकाली हुई है। एक है DLF लिमिटेड, ज़्यादातर
दिल्ली या गुड़गांव साइड ज़्यादातर उनका कंस्ट्रक्शन चलता है, और उनका ये ग्रोथ भी देख सकते हो आप, ज़्यादातर वो 2021 से लेके 2024 तक उनका कॉन्स्टेंटली बढ़ा हुआ है स्टॉक। थोड़ा थोड़ा डाउन गया है बीच में, लेकिन कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है क्योंकि रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ रही है। एक है ओबेरॉय, ओबेरॉय करके एक ओबेरॉय लिमिटेड है जो बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, और ज़्यादातर बॉम्बे में महाराष्ट्र में ज़्यादा करती है, और उनका भी स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। 2021 से लेके 2024 तक अभी 2700 के आसपास चल रहा है। फिर है शोभा लिमिटेड, ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनियों में मानी जाती है। ये ग्लोबल पूरे इंडिया में इनका अभी डेवलपमेंट चालू है, और इनका भी स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और अभी अच्छे स्टॉक में ये गिना जा रहा है। फिर है फोनिक्स मिल्स लिमिटेड, ये इसका भी स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता गया है, और एक है महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड, ये भी पूरे इंडिया में अभी इनका डेवलपमेंट चालू है। ज़्यादातर इनका डेवलपमेंट है चेन्नई साइड, साउथ के साइड इनका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कर रही है, इंडस्ट्रियल एरिया में भी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है ये, और इनको शायद एक गवर्नमेंट के साथ भी इन्होंने एक टाइप किया हुआ है। इनका भी स्टॉक्स धीरे धीरे अप्स एंड डाउन्स करके अभी हाई पे चल रहा है। थैंक यू गाइस।